बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप आपके साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है, जिस तरह लास्ट वीक में बताया था कि डोजी के बाद जो है एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी जो उसकी नेगेशन करी थी, लेकिन इसके बाद जो फिर अगेन ये डोजी फॉर्म हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके और थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊं तो देखें, मार्केट अभी इस वक्त देखें, मैं एक तो ये सीपीआर का अपर लेवल है 65,300। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्रीच करना अभी इस पर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और इधर हम रिजेक्शन ही विटनेस कर रहे हैं। 65,300 है और वैसे देखा जाए तो 65,330 मतलब मैंने राउंड फिगर में 65,300 का फिगर बताया था, ये लेवल है रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का। कई दफा देखें, अब वीक ऑन वीक बेसिस से बात कर रहा हूं मैं, देखें इस वीक में भी रिजेक्शन आई, इस वीक में भी, मतलब इधर वीक ऑन वीक बेसिस पे ये लेवल रीटेस्ट हो रहा है लेकिन यह रिजेक्शन विटनेस हो रही है। दैट मींस अपर साइड पे इस लेवल पे सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग इस एरिया में हो रही है। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे देखा जाए तो कम से कम भी एक हफ्ता दो हफ्ता अगर ये लेवल मेंटेन करता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है या फिर यहाँ पे वापस रीटेस्ट, जिस तरह यहाँ पे रीटेस्ट होके रिजेक्शन हमको मिल रही है, इसी तरह यहाँ रीटेस्ट होके हमको ये ऑनर मिले यहाँ पे, जैसे ये डाउन साइड पे वीक बनी थी ऑनर की, तो ये ऑनर अगर इस लेवल को करने लगे तो फिर इसमें हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं टिल अगेन 67,000। मैं पिविटल रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, वैसे तो रिजेक्शन हमको यहीं से मिल गई थी, ये तकरीबन समझे 16 दिसंबर या 15 दिसंबर था, यहां से हमको रिजेक्शन मिल गई थी, इसका हाई था 67,093 का। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 67,500 का लेवल बनता है, ये वाला पिविटल रेजिस्टेंस है इसका, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये रिजेक्शन शो करे। अच्छा, अभी इस वक्त जो स्कैनर्स करंट सिनेरियो में इलेक्शन की गहमा गहमी है और काफी हद तक चांसेस हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को, तो ये यही वजह लग रही है कि यहाँ पे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं ताकि आगे जो नई गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज क्या होती हैं इकोनॉमी को लेके स्पेशली, तो इस वजह से अभी इन्वेस्टर जो है वो अभी साइडवेज ही है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, मेरी पिछली वीडियो देख ले, मैंने कही ये सीपीआर के बीच में साइडवेज मार्केट हो सकती है, तो अगर देखें तो ये यहीं पर ही एक्सपेक्ट है, जो लोअर लेवल है 62,500 से लेके 65,300 इसके दरमियान ही मूव कर रही है। अभी भी क्लोजिंग देखें तो इसका मिडिल बैंड है 63,900 का और क्लोजिंग हुई है 63,800 पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है वो तकरीबन हमने इसमें इंक्रीज देखा है 94 बिलियन का, अच्छा साइन है कि 9,000 या 9 ट्रिलियन कह लें या 9,359 बिलियन रुपीस या 9.35 ट्रिलियन रुपीस अभी तक मेंटेन किया हुआ है। 9 ट्रिलियन रुपीस जो बेंचमार्क है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हुआ हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेली पे नजर डालें तो डेली पे ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था रोल ओवर वीक है, लास्ट वीक में बताया था ये, तो उसमें भी जो है फॉरेन कॉर्पोरेट में हमने देखा कि स्पेशली ये 26th ऑफ जनवरी जुम्मे का दिन जो है उसमें तकरीबन 10 मिलियन डॉलर का जो है सेलिंग हमने विटनेस की है फ्रॉम फॉरेन कॉर्पोरेट्स। और ओवरऑल अगर वैसे तो देखिए ये बैलेंस होता है, कोई ना कोई अगर बायर होता है तो उसके अगेंस्ट में जो सेलर होता है उसके अगेंस्ट में बायर भी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली अच्छा मेजर बायर था, उन्होंने अब्सॉर्ब तो नहीं किया पूरा, कुछ कलेक्टिवली देखें तो थोड़ा बहुत दूसरे सेक्टर भी शामिल थे जिन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया है, जिन मेजर जो एब्जॉर्ब करने वाले थे वो सेक्टर उसमें इंस्टीट्यूशन जो था वो इंश्योरेंस का था। अच्छा, वैसे हम देखें तो डे ऑन डे बेसिस पे 37 बिलियन रुपीस मार्केट कैपिटलाइजेशन आउट हुए हैं, 37 बिलियन रुपीस। वैसे तो हमें बैलेंस नजर आया मार्केट में, अगर हम देखें पीपीलीपी का जो डाटा देखें तो उसमें बैलेंस, ऑब्वियसली हमेशा बैलेंस होता है, कोई ना कोई जो है बायर होता है सेलर के अगेंस्ट, तो ये बैलेंस हुआ है लेकिन 37 बिलियन रुपीस मार्केट से आउट हुए हैं। हो सकता है चेंज ऑफ हैंड हुआ हो, लेकिन ये नजर आ रहा है कि जो लार्ज कैप के कैपिटल के जो है स्टॉक्स हैं जो बहुत हायर साइड पे चले गए वहां पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, और स्मॉल कैपिटल जो जिनका आरएसआई बहुत लो है और
बहुत डिस्काउंटेड रेट पे जो स्मॉल कैपिटल है उनमें मुझे लगता है कि बाइंग हुई है। तो अभी इस वक्त जो फोकस है वो जो हाई आरएसआई वाले स्टॉक हैं उनमें सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, तो फोकस उन पे करें जिनका आरएसआई लो है स्मॉल कैप में। और जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ऑटो सेक्टर, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनमें जो है एक्टिविटी रहती है, तो उनके जो स्मॉल कैप के जो है स्टॉक है उनमें हो सकता है आने वाले दिनों में हम कोई अपसाइड पे रैली बनते हुए देखें। तो डेली में मैं आपको बता दूं, देखें डेली में भी एक सेलिंग अगर हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे अपसाइड पे बहुत वॉल्यूम देखा हमने, ठीक है। इसके बाद जो अब ये नीचे ये अच्छी साइन है कि डाउन साइड पे सेलर जो है वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम देखें अपसाइड पे जो है 290 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को थोड़ा सा कम प्रेशर सेलिंग का देखना है, वॉल्यूम थोड़े से कम थे। अच्छा, इसी तरह वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देख लें तो डोजी फॉर्म हुआ है लेकिन वॉल्यूम अच्छे हुए हैं। ये अगर हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो 1.1 बिलियन, ठीक है, यहाँ सेलिंग अपने विटनेस की थी, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमने बाइंग देखी है 1.2 बिलियन की। तो ये एक अच्छी साइन है, वीक ऑन वीक बेसिस पे डोजी फॉर्म हुआ है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हो सकता है। अब डोजी का हमेशा ये होता है कि इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है, जिस तरह यह डोजी फॉर्म हुआ नेक्स्ट वीक में हमने सेलिंग देखी, लेकिन अगेन यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ है तो इसको हम इसको निगेशन नहीं कहेंगे, कंटिन्यूशन कहेंगे इसी की, ठीक है ना, इसी लेवल की। मतलब ये कि इन लेवल्स पे सेलिंग है, तो आपने अभी भी 64,400 से लेके 65,300 इस लेवल पे देखें रिजेक्शन आ रही है, तो प्रॉफिट टेकिंग आप लोग भी करें, जो नीचे बाय किए हुए अपने स्टॉक वो अपर साइड पे आप सेल जरूर करें। तो आइए दोबारा चलते हैं डेली की तरफ, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अच्छा, डेली में अगर हम यहाँ देखें ट्रेंड लाइन, अगर हम यहाँ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यह 67,000, ये 67,000 यहाँ पे था, 67,93, 67,100 समझ लें, 93 है, तो ये एक राउंड फिगर हमने ले लें 67,100, ठीक है। 67,100 से लेके हमने यहाँ पे इसको ये लेवल ले लिया, ये वाला लेवल, ये जो डोजी बना था, ठीक है ना, ये एक रिजेक्शन, सबसे पहले रिजेक्शन यहाँ पे आई थी 65,356, हम इसी को लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाली कैंडल का विक ले लिया, ये वाली कैंडल का मैंने विक लिया है। तो देखिए अभी भी इस वक्त जो जो रिजेक्शन आई है डे ऑन डे बेसिस पे, तो इसी लेवल पे ही, इसी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन जो है, तो ये लोअर हाई करती हुई मार्केट जो नीचे आ रही है इस वक्त, देखे ना। और इसको देख ले तो हम यहाँ से, इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, या डोजी फॉर्म हो, ब्रेकआउट उसको कहेंगे कि यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो और फिर इसकी कंफर्मेशन भी हो नेक्स्ट बुलिश कैंडल से, तो फिर मजीद अपसाइड इसमें हम देख सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से एक डोजी फॉर्म हुआ और इसकी नेगेशन भी मिल गई हमें नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। तो इसमें जो है इसकी कंटिन्यूशन अभी चल रही है डेली पे टिल 62,500, एक सीपीआर का लोअर बैंड है और अच्छा सपोर्ट लेवल भी, जैसे पहले भी यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया था 18 जनवरी को इंडेक्स ने, फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पे बाय करनी चाहिए, लेकिन अपसाइड पे जरूर सेल करें, आई रिपीट, प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, क्योंकि यह प्रॉफिट टेकिंग ही यहाँ पे अपसाइड पे नजर आ रही है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम डाउन साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। हम इसी की वीक लेंगे, ये 18 जनवरी को जब इसने सपोर्ट लिया था इस लेवल का, तो अभी हम देखें तो इस वक्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखें, वीक पे वीक ऑन वीक बेसिस पे भी शो हो रहा है कि मार्केट साइडवेज है सॉरी, और डेली बेसिस पे भी देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, दैट मींस कि ब्रेक डाउन ब्रेक आउट, या इसको ब्रीच कर सकता है लेवल को, अगेन मैंने बताया यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड पे जा सकता है, तो या फिर यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है विद बुलिश कैंडल फ्रॉम 64,500 या 64,600, लेकिन अभी क्लोजिंग जो हुई है 63,800 की, 64,400 जो मैंने बताया था ये वाला लेवल था, यहाँ पर भी मैं एक ये पहले भी मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ड्रॉ किया था ये हॉरिजॉन्टल रे जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ,
ठीक है, ये तो ये कर ले और ये रेड कलर दे देता उसको मैं। तो अभी ये ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली पे भी ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पे तो आ रहा है, वीकली पे भी 65,300 आ रहा है, लेकिन रिजेक्शन आ रही है। इसको हम अगर हम चले ठीक है, इसको हम पिविटल पॉइंट दे देते हैं एक तरह का ना, ठीक है। तो एटलीस्ट 64,400 के ऊपर, ठीक है 64,500 ले लें चले आप, इसके ऊपर एक्टिविटी नजर आती है। इसके नीचे ना आए किसी भी सूरत, ना कोई डोजी बने, ना कोई रिजेक्शन आए। देखिए यहाँ रिजेक्शन आई और क्लोजिंग नीचे आई है, तो यहाँ मेरी बात गौर से रखें, इसको सस्टेन करने का मतलब ही यही है कि इसके नीचे क्लोजिंग आनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। तो इसके नीचे क्लोजिंग ना आए, यहाँ पे ऑनर हो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको मंथली वीकली का बताया था कि रिजेक्शन आ रही है, जैसे यहाँ विक बन रही है अपर साइड पे, तो यहाँ डाउन साइड पे विक बने, अप साइड पे क्लोजिंग आए, ठीक है। ये एक इंडिकेशन आप नोट कर लें इसकी फॉर फर्दर अपसाइड। तो ये इसका पिविटल पॉइंट है 64,400 का, और इसके ऊपर अगर इसको यही अगेन जो मिडिल बैंड है हम इसी को ले लेते हैं 63,800 का, 63,700 का। इसी तरह यहाँ 63,800 63,700 भी, जिस तरह यहाँ वीक बन रही थी, ठीक है, ये वाला वीक बना, एक ही वीक बनी, लेकिन अगेन फिर ये बुलिश कैंडल ने इसको जो है निगेट किया, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी मिलने, यहाँ ऑनर करने लगा ये वाला लेवल जो है। यहाँ पे मैं आपको वो बना देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये इसको ऑनर भी करने लगा, ठीक है। 63,900 ये आप समझ लें, इन दो 200 पॉइंट के बीच में कशमकश चल रही, टग ऑफ वॉर चल रही है कि ये कौन सा लेवल जो है ब्रीच होता है, कौन सा लेवल ब्रेक डाउन होता है, मतलब या आया 64,400 ब्रीच ब्रेकआउट होता है इसका, या 63,700 का ब्रेक डाउन होता है। तो ये 63,600 समझ लें और टू बी ऑन द सेफ साइड, इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अभी इस वक्त, 64,400 और 63,600। तो अभी जिस तरह मैं आपको बता, इलेक्शन का प्रेशर है मार्केट में, सेलर अभी इतने मतलब समझे कॉशियस हैं, इतनी हाई पे जाके सेलिंग आ रही है ऑब्वियसली, लेकिन लोअर साइड पे जो है फिर कॉशियस हो जाते हैं, वॉल्यूम्स उसके लो हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि स्मॉल कैपिटल जो इस वक्त इनके आरएसआई बहुत लो हो गए, तो उन पे आप फोकस करें, उनको आप एक्यूमुलेट करें, आने वाले दिनों में हो सकता है उनमें भी रैली बन सकती है। सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर भी इसमें आप ऐड कर लें, क्योंकि देखें मॉनेटरी पॉलिसी अभी 27 जून को है, मंडे वाले दिन जैसे मेरी वीडियो रिलीज कर रहा हूँ उसके दूसरे दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि 50 बेसिस पॉइंट कम होंगे, और टी बिल्स के ऑप्शन वगैरह से भी एक्सपेक्टेशन थी, पेट्रोल की प्राइस भी डाउन हुई है, लेकिन जब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो आईएमएफ ने मॉनेटरी पॉलिसी का जो कोरिलेशन है वो आपका इन्फ्लेशन के साथ जो है वो किया हुआ है कि जब तक इन्फ्लेशन के हाई रहेगा, अब हमारी जो दूसरी जो लोकल जो डेली यूज की प्रोडक्ट्स हैं, तो वेल फॉर सपोज वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, दूसरे और चीजें हैं, मीट है, इनके प्राइसेस अभी भी हाई हैं, तो डेली इसकी चीज अभी भी हाई है, इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो हाई आ रहा है परसेंटेज। तो हो सकता है कि मेरी उम्मीद तो ये है कि एक्सपेक्टेशन कम हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अनचेंज होगा। अगर अनचेंज भी होता है तो देखें, इससे पहले भी जो है 22% पे था अनचेंज रहा, तो मार्केट ने फिर अपसाइड पे रैली दिखाई है, तो ये इलेक्शन का जो है डस्ट सेटल हो जाए, देखें ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसके बाद जो है फिर हम मजीद इंशाल्लाह इसमें अपसाइड देख सकते हैं। That's all for now. Take care. Good luck and Allah Hafiz.